गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सुबह के 6:30 बज गए हैं और मैंने नहा लिया है। अब मैं करने जा रही हूँ अपने भोले बाबा की पूजा। आज है सोमवार का दिन और आज कहते हैं ना, अगर सच्चे मन से आप भगवान से मांगो तो वो ज़रूर पूरी होती है और जो आपके नसीब में है वो ज़रूर आपको मिलेगा और जो आपके नसीब में नहीं है तो वो छीनने से भी नहीं मिलेगा। और बस अपने वक्त का, अपने समय का इंतज़ार कीजिए और आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी। सच्चे दिल से मांगिए, भगवान ज़रूर आपकी प्रार्थना सुनेगा। भगवान सबकी सुनता है, बस ये है कि वक्त वक्त का फेर हो जाता है। किसी का वक्त जल्दी आ जाता है तो किसी का लेट आता है। समय सबका आता है और भगवान सुनता सबकी है, क्योंकि कहते हैं ना, भगवान किसी एक का नहीं है, भगवान सबके हैं। चाहे आप किसी भी नाम से बुलाइए उन्हें, भगवान आपकी पुकार ज़रूर सुनेंगे। भगवान हमारे आसपास ही रहते हैं पर हम पहचान नहीं पाते हैं। तो बस यही बोलूँगी कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। सारे काम बन जाते हैं, बस समय लगता है और किस्मत से ज़्यादा वक्त से पहले कभी नहीं मिलता है और ये सब आपको भी पता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पेशेंस रखिए हर चीज़ में, क्योंकि जब तक आपका जीवन में पेशेंस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। पेशेंस और भरोसा, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, आपको ज़रूर वो चीज़ मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। बस कहते हैं ना, वक्त दीजिए। वक्त का ऐसा मरहम होता है कि जख्मों को भी भरने के काम आ जाता है, बस वक्त देना पड़ता है। तो बस मेरी यहाँ पूजा इसी शब्दों में ख़त्म होती है और कहिए हर हर महादेव, भोले बाबा सबकी मनोकामना। बस मैंने पूजा कर ली है और बस मैं उन्हें इत्र चढ़ा देती हूँ और मेरी पूजा हो गई है। अब मैं जा रही हूँ दूसरे काम। फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को सावन सोमवार की ढेरों बधाइयाँ, रक्षाबंधन की ढेरों बधाइयाँ। और बस मेरा सारा काम हो गया है, आज मेरा व्रत था, आपने देखा मैंने पूजा कर ली भोले बाबा की और मैंने आज बनाई थी खीर, तो वो भी चढ़ा दी, साबूदाना की खीर बनाई थी। आज मेरे यहाँ नाश्ते में मेरी मम्मी ने बड़े बनाए थे, पानी वाले बड़े, मतलब बड़ा मुगौरा हम लोग के रीवा में कहा जाता है। तो ये अब देख सकते हैं हरियाली, पेड़ पौधे लग रहा, बट चाय और नाश्ता कर लेती हूँ। शाम के बज गए हैं 5 और आप देख सकते हैं मैं चाय पी रही हूँ। सबका ही टाइम होता है चाय पीने का, तो उसके साथ मैं नमकीन खा रही हूँ पास वाली, क्योंकि आज मेरा फास्ट था और दिन भर से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने आज बनाई थी खीर, वो भी चढ़ा दी और अब मम्मी के साथ मम्मी बनाने जा रही हैं बड़ा मुगौरा, इसे कहते हैं कि मतलब इसलिए सबसे पहले हम काली वाली उड़द की दाल लेंगे और ये उड़द की दाल है और काली वाली छिलके वाली, इसे हम गला लेंगे। अच्छे से धो लीजिए और इसे 4-5 पानी से धो लीजिएगा जब तक इसका छिलका अच्छे से उतर ना जाए। अब इसे हम छान लेंगे। हमने अब इसी प्रकार हम चने की दाल को भी धो लेंगे, इसे भी पानी से निकाल। अब हमने यहाँ पर दाल धो ली है और धो के छान ली है। अब हम इसमें पीसेंगे, दोनों दाल को मिक्स करके पीसेंगे। तो अब मम्मी ने इसमें खड़े मसाले लिए हैं कुछ पीसने के लिए, और तेज पत्ता, और आप देख सकते हैं बड़ी इलायची वगैरह। हमारा मसाला पिस गया है, तो देख सकते हैं आप। अब हम इसमें
अब आपको इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाना होगा। तो अब मम्मी इस तरीके से बना रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अब मम्मी इसे ऐसे करके बना के और अब छान लेंगी, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, इसका पानी बनता है, इसमें नमक नहीं डलता है, क्योंकि नमक हम उसके पानी में बनाएंगे। इसके पानी को हल्का गुनगुना कर लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी हल्दी और नमक मिला लीजिएगा। फिर ये छानने के बाद थोड़ा सा बाहर रख दीजिएगा, जिससे कि इसका तेल निकल जाए। तेल निकलने के बाद उस पानी के अंदर आप इसे डाल दीजिए, और फिर थोड़ी देर बाद जब ये फूल जाए तो इसे पानी इस खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा आपको। आप देख सकते हैं, ये देखिए निकल रहा है, ये है पानी, ऐसा येलो पानी बन। अब मेरे बेटे ने नहाई नहाई कर लिया है, देख सकते हैं।